हाय फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आज हाई लो ड्रेस का ट्यूटोरियल शेयर करूंगी। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बॉडीज़ को हम कट कर लेंगे। तो 14 इंच की बॉडीज़ बनाने के लिए कपड़े को मैंने इवन कर लिया है और चार भाग में इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे, जिससे फ्रंट एंड बैक दोनों ही कटिंग साथ में ही हमें रिसीव हो जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है वो लेंथ देख लिया है। शोल्डर जो है वो मेरा 6 इंच का है। उसके नीचे आर्म होल्स भी मैंने 6.5 इंच में मार के, मैंने हर जगह 1/2 इंच की लूजिंग रखी है। जहाँ आर्म होल्स ख़त्म हो रहा है वहाँ चेस्ट का 1/4 हिस्सा रख लीजिए, प्लस 1 इंच का लूजिंग देते हुए। उसके बाद वहाँ पर इस तरीके से बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। ब्लाउज जहाँ एंड हो रहा है वहाँ की भी मार्किंग लेकर इस तरीके से ट्रेस कर लीजिए। आर्म होल्स के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 इंच का अंदर एक गैप लिया है एंड साइड से मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, क्योंकि फ्रंट में का जो शोल्डर रहेगा वो थोड़ा सा कम रहेगा, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया है। नेक जो यहाँ पे मैं बना रही हूँ वो है 4 इंच की लंबाई और 2.5 इंच की चौड़ाई के साथ मैं एक कर्व बॉक्स क्रिएट कर लूँगी और बॉक्स में मैं कर्व शेप दे दूँगी एंड उसके बाद इन सभी मार्किंग एरियाज़ को हम कट कर देंगे। शोल्डर को आप तिरछा इस तरीके से मार्क कर लीजिए, जिससे कि फिटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर आती है। सो यहाँ मैंने कट कर रही हूँ। कट करने के बाद अब देखेंगे फ्रंट एंड बैक दोनों का ही फैब्रिक जो है वो यहाँ पर हमें रिसीव हो जाएगा। इस तरीके से सबसे पहले जो हमारा आगे वाला आर्म होल से वो कट कर देंगे, ये हम जो है वो बैक पे रखेंगे। उसके बाद बैक के कपड़े को अलग कर लेंगे और जो फ्रंट का कपड़ा है उसे एक बार फिर फोल्ड कर लेंगे और एक्स्ट्रा आर्म होल्स जो है वो जो हमने मार्क किया था उसे भी कट कर लेंगे, जिससे कि फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा बेहतर आती है। ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्म होल्स की फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। उसके बाद यहाँ मैंने कट कर लिया है। अब हमें फ्रंट एंड बैक दोनों का कपड़ा रिसीव हो चुका है। आर्म होल्स को 1/2 इंच अंदर दबा कर सिलाई दे दीजिए, क्योंकि स्लीव्स नहीं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। अगर आप स्लीव्स अटैच कर रहे हैं तो आप कोई भी किस्म के स्लीव्स यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, उसके साथ भी ये ड्रेस अच्छा लगेगा। नेक को भी 1/2 इंच फिर 1/2 इंच अंदर मोड़ कर सिल कर आप यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। शोल्डर अटैच कर लिया है और उसके बाद साइड की फिटिंग भी दे दिया है, तो बॉडीज़ जो है वो पूरी तरीके से रेडी हो गई है। इसके बाद जो हम नीचे का फ्लो रेडी करेंगे, सेम फैब्रिक से आप कंट्रास्ट फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो नीचे का घेरा है उसके लिए मैंने यही सेम रेड फैब्रिक इस्तेमाल किया है। 2 बार में इस तरीके से फोल्ड कर लिया, फिर एक और बार फोल्ड करेंगे जैसे कि हम एक रुमाल फोल्ड करते हैं। उसके बाद दोनों साइड का आप लेंथ देख लीजिए कितना आपको रखना है। तो यहाँ पर जो है मुझे 20 इंच की लेंथ मिल रही है, तो मैं हर जगह 20 इंच का इस तरीके से पॉइंट ड्रॉ कर लूँगी। कोने पे रखे जब आप इस तरीके से बराबर से जॉइन करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो उससे आपका जो घेरा का जो राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा नीट आएगा। कट कर लेना होगा, उसके बाद इस तरीके से आप ओपन करेंगे तो आपको एक फुल सर्कल का कपड़ा मिलेगा। अब इसे हाई लो बनाने के लिए ऊपर से आपको जितना डिफरेंस हाई लो का रखना है, यानी फ्रंट में जितना रखना है और बैक में जितना रखना है, उसके हिसाब से फोल्ड कर लीजिए। मैंने यहाँ पर जो है वो फ्रंट में 10 इंच रखा है एंड बैक में जो है वो 20 इंच रखी हूँ। घेरे की जो है कमर को आप 6.28 से डिवाइड कर लीजिए, जो भी मेजरमेंट आता है वहाँ पर इस तरीके से कट कर लेना होगा मार्किंग करके, तो जो है वो आपको कमर का भी हिस्सा मिल जाएगा। 6.28 से डिवाइड करना है आपको अपनी कमर, है 30-32 जो भी कमर है 6.28 से डिवाइड कर लीजिए। सो आप देख सकते हैं घेरा हमारा कट हो चुका है। अब जो है फ्रंट में हमें प्लीट्स देनी होगी। 2 प्लीट्स मैं यहाँ पे दे रही हूँ इस तरीके से, क्योंकि मैंने जैसे 30 की अगर कमर है तो मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा पकड़ी थी ताकि मैं आगे प्लीट्स दे सकूँ। तो दोनों साइड से 4-4 इंच का जो हम यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे एंड उस 4 इंच पर जो है वो प्लीज यहाँ पर क्रिएट कर देंगे इस तरीके से पकड़ते हुए। उसके बाद नीचे का जो घेरे का हिस्सा है वहाँ लेस अटैच कर सकते हैं, पीको बिडिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिलाई दे दिया है, तो नीचे की जो है वो सिलाई दे दिया है मैंने, जैसे कि आप देख सकते हैं। फ्रंट पे अभी प्लीट्स नहीं दी हूँ, क्योंकि मुझे आपको बताना था अगर आप बिगनर्स हो तो प्लीट्स देने के लिए आप इस तरीके से फोल्ड करके टाचनी से अटैच कर लीजिए, उसके बाद आप प्लीट्स देंगे तो काफ़ी ज़्यादा नीट लुक आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद बॉडीज़ को इसके साथ जो है वो सीधा रखकर आप इस तरह जॉइन कर सकते हैं। सिलाई मशीन को पे दोनों ही सीधे रखते हुए आप जॉइन कर सकते हैं।
सो जो आप देख सकते हैं, मैंने जो ब्लाउज है घेरा है उसे अटैच कर लिया है और ये ड्रेस जो है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। आप इसे इस तरीके से, अगर आप बिगनर्स हैं तो भी इस इजी ट्यूटोरियल से आप ज़रूर फॉलो करके इस ड्रेस को बना सकते हैं। फ्रंट में थोड़ा खाली लग रहा था, मैंने इस तरीके का बटन लगा ली हूँ ताकि थोड़ा सा मॉडर्न और इंडो वेस्टर्न लुक नज़र आए। इसके नीचे जीन्स कैरी कर सकते हैं, सेमी पटियाला कैरी कर सकते हैं, ट्यूलिप पैंट, स्ट्रीट पैंट, लेगिंग्स, जो भी आप कंफर्टेबल हो उसके नीचे लोअर्स के लिए आप कैरी कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। सो अगर आज का आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा तो चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। कोई भी क्यूरियस हो या कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। Till then guys, thank you so much for watching my channel. Bye bye, take care, till next time.